हेलो। हाँ, तो पिछली बार अपने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8.2 एक्सरसाइज थी, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट के जो भी चार पांच ऑप्शन थे वो सारे कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों लिख रखी है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग बात करी थी, अपन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम लेके चलेंगे ताकि बेनिफिट रहे दोनों के ही। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हिंदी में सही विकल्प चुनो, मतलब ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन है, ए बी सी डी चार ऑप्शन है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, इनमें से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है, ओके। तो देखो, जैसा कि अपने पिछली क्लास के अंदर टेबल बना ली थी, टेबल आपको बड़ी आसान बनानी आ गई होगी, है ना, बड़ी आसान तरीके से बनाई थी। बस सेम टू सेम वही है, टेबल की वैल्यू पुट करो और सोल्व करो, देखते हैं। 2 10 30 10 30 होता है 1/√3, ठीक है भाई, 1/√3 प्लस 1/(1+10²30). 10² वही 10 30, तो 1/√3 होता है, ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। और क्या है देखो, ये 2 × 10³० इसलिए मैंने इंटू लगाया है, ठीक है। और ये 1+10³० होता है 1/√3, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 2/√3, ये हो गया, ये खुलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3। इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखो, 2/√3 का 2/√3 / ये वाला, अब इनका नीचे वाला लो एलसीएम आया 3, तो इसका डिवाइड किया तो 3 + 3 इनकी 1। तो देखो, 2/√3 / 4/3 घुमाओ ये, इसके बाद ये, इसके बाद नीचे कराऊँ तो यानी कि 2/√3। अब जब घुमाया तो देखो, आपको पता नहीं, यूं हो जाता है, यूं इंटू होता है और 3 ऊपर 4 नीचे, इससे ये 2 टाइम कट गया। अब देखो, कोई भी नंबर कब परफेक्ट बनता है, जब देखो ये 3 है, तो आपको पता है 3 कब बनता है, जब √3 × √3, यानी कि √3 × √3 होता है, तभी तो 3 बनता है ना। इट मीन्स ये हुआ कि इस 3 के अंदर 2 बार √3 का मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ये गारंटी है। जैसे मैं कहूँ कि 2 2 कब बनेगा, जब √2 × √2 होगा, मतलब 2 के अंदर 2 बार √2 × √2 छुपा हुआ है। सेम टू सेम ये क्यों कर रहे हैं, देखो अब आपको समझ में आएगा। इसका मतलब इस 3 के अंदर 2 बार √3 × √3 छुपा हुआ है, मतलब इस √3 से इसका 1 √3 अगर कट जाता है तो पीछे √3 बचाना, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब यह हो कि √3 से 3 कटा तो पीछे √3 बच गया, इट मीन्स √3/2 बचा। अब मुझे बताओ, इस इन ऑप्शन में चार ऑप्शन है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, या फिर कौन से ऑप्शन की वैल्यू ऐसी है जो √3/2 होती है। टेबल आपको अच्छी तरह लर्न है। sin 60 क्या होती है, sin 60 होती है √3/2, ठीक है। इट मीन्स यही करेक्ट है, देख लो आगे, ये करेक्ट क्यों नहीं है। cos 60 होती है 1/√2, नहीं है। tan 60 √3, नहीं है। sin 30 1/2, नहीं है, समझ गए। इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, 1 − tan 45। टेन फोर्टी फाइव होता है 1 और ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, अपॉन 1 + tan 45 1 का स्क्वायर, 1 − 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 + 1 का स्क्वायर वो भी 1। देखो, 1 का 1 − 1 का − 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का 1 + 1 का स्क्वायर 1। देखो भाई, 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0, और 1 + 1 2। सेम वही क्वेश्चन बन गया, जब नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0, और 0 का नंबर में करते हैं तो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, अनंत। तो 0, ऑप्शन में 0 कहाँ है, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, और अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बड़े आसान एक नहीं है, बस टेबल तो आपको लर्न हो गई होगी, इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है, इज ट्रू व्हेन
ए इज इक्वल टू, इसका मतलब हिंदी वाले बच्चे समझ लो, ये कह रहा है कि साइन टू ए बराबर टू साइन ए। अच्छा ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन में आप ये लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं अपन चारों ऑप्शन ताकि यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ए ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है 60 डिग्री। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है हिंदी के अंदर, ये पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या रखूं, क्वेश्चन का मतलब समझे आप, ए की जगह इन चारों ऑप्शन में से एक की जगह क्या वैल्यू रखूं कि ये LHS बराबर RHS हो जाए। समझ रहे हैं आप, यानी कि साइन टू ए लेफ्ट हैंड साइड है और टू साइन है राइट हैंड साइड है, यानी कि ये यूं कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ही जगह क्या वैल्यू रखूं कि वो दोनों बराबर हो जाए। इजी है, चेक करते हैं। देखो पहले ए ऑप्शन देखते हैं, तो साइन टू इंटू ए 0 0 डिग्री रख लिया, टू साइन ए की जगह 0 रख लिया, पहला ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ये ऑप्शन वाइज होगा, पहले ए चेक कर रहे हैं। तो देखो साइन ये हो गया पूरा 0 भाई, साइन 2 इंटू 0 0 पूरा 0 0, और ये भी 0, इट मीन्स ये फॉलो कर रहा है, ए ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। बाकी कोई ऑप्शन को फॉलो करेगा क्या, चेक कर लेते हैं कि इसका ए आंसर होगा क्या। वैसे तो ए आंसर हो गया, क्या और भी आंसर हो गया इनमें से, बी सी डी में से, चेक करते हैं। सपोज अपन बी लेते हैं, बी क्या है 30 है, रखो यहाँ पर हम, क्या आपको पता है क्या रख रहे हैं, ए बराबर 0 डिग्री रख रहे हैं। अब हम जो रखने जा रहे हैं ए बराबर 30 डिग्री, वैसे देखो आंसर आपका आ चुका है, लेकिन फिर भी अपन ये चेक कर रहे हैं कि और क्या आंसर होगा, क्या इनमें से और भी कोई आंसर हो सकता है, चेक करते हैं। ए बराबर 30, साइन 2 इंटू ए 30 बराबर 2 साइन ए 30। देखो साइन ये हुआ 2 इंटू 30, साइन 60 डिग्री, और 2 ये दोनों इंटू में, इंटू साइन 30 क्या होता है बताओ, 1/2, इससे ये कटा, साइन 60 होता है √3/2, और ये हुआ 1, क्या ये बराबर है, नो, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। सिमिलरली इसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसका फोर्थ, देखो बच्चे फोर्थ है 2 tan 30 upon 1 minus 10 square 30। ओके, और जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए 0 डिग्री, सॉरी वो तो उसमें था, इसका ऑप्शन है फर्स्ट cos 30 cos 60, बी है sin 60, सी है tan 60, डी है sin 30। वापस क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, 2 tan 30 upon 1 minus 10 square 30, और ऑप्शन है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, और चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखो 2 इंटू, दोनों इंटू में 10 30 होता है 1/√3, और 1 minus 10 30, 10 30 10 30 क्या होता है हिंदी में, 10 30 क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ओके, मल्टीप्लाई करो 2/√3 अपॉन, ये सॉल्व कर लिया भाई, ठीक, 2 को 2 से ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे √3, इसी तो इसको खोल लो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर ओनली 3, इसका ले लो एलसीएम, यहाँ कर लेते हैं, ये तो एज इट इज 2/√3 अपॉन इन दोनों का एलसीएम, उसको छुपा लो, इसका एलसीएम 3, इसका इसमें 3 माइनस 1। तो देखो देखो इसके बाद ये, इसके बाद करा रहा हूँ, ठीक है, तो 2/√3 अपॉन 2/ओनली 3, जब ये घूम के जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, अच्छा बोलो दिख रहा हो तो बता देना, अगर नहीं दिख रहा हो तो बता देना। अब इसके बाद में ये घूम के जब जाएगा तो रुको मैं आपको इधर करा देता हूँ, यहाँ तक तो दिख ही गया होगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ देख लेते हैं अपन, इस जगह में देख लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। तो देखो 2/√3 ये लिखा था,
अपॉन थ्री में से टू गया तो टू बचा, ये ओनली थ्री। अब देखो वही वाला तरीका, टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री, यू घुमाओ नीचे वाले को, यू घुमाओ यू, मतलब थ्री को ऊपर टू को नीचे, इन टू थ्री ऊपर टू नीचे, ऐसे कट गया। आप अच्छी तरह से जानते हो तो कि यहाँ पर थ्री है और थ्री में कितने रूट थ्री से बना है, थ्री कितनी बार रूट थ्री का मल्टीप्लाई होगा जब बना होगा, यानी कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री होगा तभी तो थ्री बना होगा। इट मीन्स ये गारंटी है कि इसके अंदर दो बार रूट तीन छुपा हुआ है, एक अपन को पकड़ लेना है। एक ने एक को अपन ने पकड़ लिया, पीछे फिर भी एक तो बच गया रूट तीन, तो वही आपका आंसर हो गया रूट थ्री। और मुझे एक बात बताओ, इन चारों ऑप्शन में से रूट थ्री किसकी वैल्यू है? देखो कॉस 60, कॉस 60 क्या होती है, साइन 30, यानी कि 1/2, 1/2 नहीं है। साइन 60, साइन 60 होती है, साइन 60 बोलो, साइन 60 होती है आपकी रूट 3/2, ये भी नहीं है। टेन 60 रूट 3, टेन 60 इज द राइट आंसर, सी इज का राइट आंसर। ये थे चारों क्वेश्चन, आसान है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बड़े आसान है और फिर भी आपको मुश्किल लगे या कुछ आपको फास्ट करा रहा हूँ या फिर जैसा भी करा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट आप में कुछ उसमें कुछ सुधार कर सकूँ अपने आप में, समझ रहे हैं आप। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो अच्छा बताना, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, और पढ़ते रहना, रेगुलर पढ़ो, जैसे ही एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी बड़े शानदार तरीके से एक्सरसाइज कर लेंगे। और फिर जो 8.1 का क्वेश्चन में जो 11 अपन ने छोड़ा है ना पीछे, वो करा देंगे, और इस 8.2 का भी ये क्वेश्चन नंबर 4 तो है, ये भी कर लेंगे एक साथ, और सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। उसके अलावा कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दूंगा, वो भी आपको करने हैं, बहुत अच्छा कर लेंगे। फिर आरबीएससी वाली बुक की ट्रिग्नोमेट्री भी आपको करा दूंगा, तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट, कहते हैं ना कि एकदम जड़ से हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इफ टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन, ओके, एंड टेन टेन है, ओके, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, और फाइंड द वैल्यू, फाइंड करना है ए और बी, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या होगी। हिंदी में समझा देता हूँ, वैसे समझ गए होंगे बच्चे, कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ए और बी कितना होगा। ओके, बड़ा आसान है भाई, इसको उठाओ, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, लिखो सॉल्यूशन में। हमें गिवन है टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री। एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए तो हमें टेन से क्या लेना देना, तो मतलब हमारा टारगेट है कि कैसे करके टेन यहाँ से चला जाए, तो पीछे कौन बचेगा, ए और बी, और ए और बी बचेगा तो अपन इजिली निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो मुझे एक बात बताना कि ये टेन ए प्लस बी है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, रूट थ्री, रूट थ्री को मैं लिख सकता हूँ क्या टेन 60, क्योंकि मुझे पता है टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, आपको टेबल अच्छी तरह पता है, एग्जाम में टेबल पीछे वाले पेज में जल्दी से फटाक से बनाना, रफ पेज में इजीली हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमें टेन को यहाँ से हटाना था ना, टेन हमें नहीं चाहिए था ना, वही तो कर रहे हैं अपन। टेन से टेन कंपेयर हो जाता है बच्चे, ठीक है, कटता नहीं, कंपेयर हो जाता है, टेन से टेन कंपेयर हो गया, पीछे क्या बचा, ए प्लस बी बराबर 60। ये एक इक्वेशन आ गई, समझ लो, सेकेंड इससे सॉल्व करते हैं। हमें दूसरा दिया हुआ है टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, राइट, वापस वही, इसका भी हमें टेन नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ कि अपन 1/√3 किसकी वैल्यू होती है टेन के टर्म में, टेन 30 होती है कि नहीं होती, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, राइट, वो सेम टू सेम हो गया, टेन से टेन कंपेयर हो गया, ए माइनस बी क्या बच गया 30, राइट। देखो ए प्लस बी इधर बचा था, ए प्लस बी 60 डिग्री, ए माइनस बी 30 डिग्री, आप इनको इक्वेशन दे सकते हो, ये 1 और ये 2। अब एक बात बताओ, अपन पढ़ेंगे चैप्टर आपकी बुक का, आई थिंक चैप्टर थर्ड है, उसमें वो एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है ना,
वो मेथड इसमें अपन लगाएंगे। इसमें देखो कौन सा लगाएंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं उसको विलोपन विधि। देखो एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोले तो विलोपन विधि लगाते हैं। समीकरण एक, समीकरण दो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, कैसे कि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन सेकंड है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखो बच्चे एलिमिनेशन मेथड जब लगाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस जब करते हैं, माइनस करें या फिर प्लस करा दो कोई बात नहीं, बी से बी कट, तो ए और ए क्या हो गया 2A, और 30 और 60 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, ए कितना आ गया 90/2, ए कितना आ गया 45 डिग्री। अगर ए की वैल्यू निकल गई तो किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दो, बी भी आ जाएगा, राइट। कैसे कि देखो मैं आपको एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ये सारे मेथड एक चैप्टर थर्ड शायद है आपके, उसमें मैं कराऊंगा आराम से, लेकिन अभी इजीली समझ लो कि समीकरण एक और समीकरण दो, इक्वेशन वन इक्वेशन टू को कैसे कहते हैं। वैसे आप समझते हो इन दोनों को, वैसा मान लो मैं प्लस करा रहा हूँ, इन दोनों को मैं प्लस कराऊंगा तो बी से बी कट गया, बी प्लस कर बी माइनस कर बी से बी कट गया, और ए वन ए वन ए टू ए, ठीक है, और 60 प्लस का 30 प्लस का दोनों हो गए 90। तो जब यह ए हो जाएगा 2/1 में आ जाएगा, कट गया तो ए कितना हो गया, ए 45 डिग्री। अब इसमें रखो चाहे इसमें रखो भी आ जाएगा। सपोज मैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू सपोज द वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन वन, द वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन वन, यानी कि ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखा, ठीक है भाई, बाय इक्वेशन वन या फिर पुट इन इक्वेशन वन, ठीक है, पुट इन इक्वेशन वन क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू जो आई है, देखो यहाँ पर इक्वेशन वन क्या कहता है, इक्वेशन वन कहता है ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, ये कह रहा है तो रख दो, ए कितना आया 45, बी हमारे पास 9 है 60, बी तो निकालना है, तो बी कितना 60 तो अपनी जगह रहेगा, 45 को भेजो उधर, किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बी प्लस का है, तो बी कितना हो गया बच्चे 15 डिग्री। तो देखो ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है, समझ गए, दिख रहा है यहाँ तक, ए 45 डिग्री और बी 15 डिग्री। अगर ये कम नहीं दिख रहा हो यहाँ तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए हमारा आया 45 डिग्री और बी हमारा आया है 15 डिग्री। बड़ा ही आसान था, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और बड़े अच्छे से करना, पढ़ते रहिएगा, ठीक है, जब तक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन, और ठीक है, बेस्ट।